हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने जा रहा हूं। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हैं कि YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, ये तो आपको पता है। फिर भी जो लोग ये नहीं जानते, आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना YouTube ऐप को ओपन करना है। YouTube ऐप को ओपन करने के बाद जो यहाँ पर प्लस का आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा अपलोड ए वीडियो, आपको उसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसे आपको यहां से चूज कर लेना है। अब यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, पर एड डिटेल्स लिखा हुआ आएगा। यहां पर आपको अपने वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसे लिख लें। यह सब लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे एक पब्लिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट और शेड्यूल्ड। अगर आप इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक ही चूज करना है। और यदि आप अभी इसे ओनली अपलोड करना चाहते हैं तो आपको अनलिस्टेड पर क्लिक करना है। अनलिस्टेड पर करने के बाद यदि आप इस वीडियो का लिंक किसी को भेजोगे तो वो इस वीडियो को देख पाएगा। अगला ऑप्शन है प्राइवेट और नेक्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल। इसमें आपका वीडियो अपलोड तो अभी हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो तभी होगा जो टाइम और डेट आप उसमें सेट करेंगे। अगर आपके सब्सक्राइबर्स 1000 से ज़्यादा हैं तो आपको पब्लिक और शेड्यूल्ड में प्रीमियर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को हाथों हाथ या बाद में लाइव की तरह पब्लिश कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। नंबर वन पर है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, और इसके नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, यस इट्स मेड फॉर किड्स और नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए है तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन यस इट्स मेड फॉर किड्स को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करना है। अगर आप यस इट्स मेड फॉर किड्स पर क्लिक करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल के लिए बेल नोटिफिकेशंस इनेबल नहीं होंगे आपके सब्सक्राइबर्स के लिए। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था। इन दोनों ऑप्शंस के नीचे आपको एज रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके वीडियो में कोई ऐसी बात है जो 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए अच्छी नहीं है,
तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन यस रेस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 पर क्लिक करना है। अगर आपके वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको ये नीचे वाले ऑप्शन नो डोंट रेस्ट्रिक्ट माय वीडियो टू व्यूअर्स ओवर 18 पर क्लिक करना है। और अब आपको अपलोड पर क्लिक करके अपने वीडियो को अपलोड कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।